सुनो भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत के विदेशी संबंध। अभी तक हमने कई सारे देशों के साथ अपने संबंध पढ़ लिए, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया श्रीलंका, थोड़ा सा ऐसे इंट्रो, और उसके अंदर हमने पाकिस्तान को देख लिया, बांग्लादेश को देख लिया, है ना, नेपाल का भी थोड़ा सा, इतना सा शायद, इतना सा आया था नेपाल का थोड़ा सा, ठीक है। हमें संबंध क्यों पढ़ने हैं? हम तो सुनो इधर, भारत की विदेश नीति में हमें दूसरे देशों के साथ संबंध क्यों पढ़ने हैं? हम पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं 200-250 सबके से संबंध थोड़ी पढ़ेंगे यार। जिससे ज़्यादा बात होती है उसी से तो चेक करते हैं ना, नंबर ब्लॉक है कि अनब्लॉक है, समझ आ रहा है? अरे मतलब जिस रास्ते से ज़्यादा जाना है उस रास्ते का याद होता है ना, मैं गली मोहल्ला चप्पा चप्पा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो भारत के मेन देश है ना, जिससे भारत का व्यापार होता है, हथियार आते हैं, सप्लाई होती है, उनसे संबंध पढ़ने होते हैं, जिससे हमें फ़ायदा या नुकसान है, समझ आ रहा है? संबंध उससे पढ़ने, जिससे मतलब ही नहीं है तो क्या मतलब है, ठीक। हमने कल भारत और चाइना के संबंध चालू किए थे और ये पढ़ा था चाइना से कितने लहू लुहान संबंध है हमारे, मतलब खून और खच्चड़ दोनों चीज़ें है कि नहीं है। हमने शुरुआत में हिंदू चीनी भाई भाई करा, चाउमीन खाई, मोमोज खाए, फिर उसके बाद बीच में दंगे हो गए, मोमोज फ्राई ज़्यादा कर दिए थे ना, तो दांत से कट नहीं रहे थे। 1961 में हमारा चाइना से युद्ध हो जाता है, चाइना हमारी ज़मीन छीन लेता है और उसके बाद से लगातार और ज़मीन छीनने का प्रयास करता रहता है, और आज तक 2023 तक लेटेस्ट हमारा और चाइना में क्या है, संबंध गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, यही चल रहा है। कभी लगता है चाइना से युद्ध हो जाएगा, कभी लगता है कोई बात नहीं है, तो चलता ही रहता है नॉर्मल, ठीक है। अभी आज से 1.5 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ चित्र तो बना ही नहीं है, छोड़ो जम्मू एंड चलो बना ही देता हूँ यार, क्या याद रखिए, नई लड़की है बेचारी को पता नहीं लगेगा कि ना, दुख होगा ना। देखो ये है वो चित्र, ला 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 ला, ओ तेरी वो, देखो भाई ये है ना, यहाँ पे क्या है, ये अक्साई चीन चाइना ने कब्जा कर रखा है पता है? तुम मुझसे बोलो ना, ऐसा क्या उन सब के साथ, वो सारी तो हर बात में हाँ बोलती हैं, तुम्हें नहीं बोलना, समझ आ रहा है? गधे और घोड़ों में अंतर होता है, अब तुम्हें क्या बनना है ये देखो, ठीक, ये समझो मत, तुम मत समझो उसको, समझना था। तो ये अक्साई चीन है ना, इस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। इधर से ना एक लेक आती है जिसका नाम है पेंगोंग लेक, क्या पेंग। इसमें छोटी सी दिख रही है, बहुत बढ़िया, गिर गए ना, मिलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो यहाँ पे ना उन अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अक्साई चीन वाले हिस्से में भी और भारत के हिस्से में भी है, तो जो यूएनओ ने जब रोका था ना 1961-62 में युद्ध रोका था, है ना, 62 में हुआ था ना युद्ध, ठीक है, तो युद्ध रोका था, यही था ना टाइम, यही टाइम है। तो मेरी बात इस तरफ देखो, तो इस समय यूएनओ ने बोला था जहाँ वहीं रुक जाओ, तो यहाँ पे क्या हो गया था, सीज फायर कर दिया था, LAC बन गई थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम रख दिया था इस लाइन का, कि इस तरफ वाले पे इंडिया नहीं जाएगा, इधर वाले पे चाइनीज नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी आँखें छोटी है, हमारे यहाँ पे भारत में लोग बहुत मारेंगे, ठीक है। तो इनको मना करा था नहीं आएगा, लेकिन ये कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं लगातार, अरुणाचल प्रदेश में तो आ ही रहे हैं, धीरे से आ जाते हैं, आ जाऊँ क्या, फिर पीछे हो जाते हैं, चिढ़ाते हैं हमें, लेकिन यहाँ पे भी आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे सैनिक तो काफ़ी सारे थे ग्लेशियरों पे, ठीक है, तो उन्होंने भपेड़ दिया इनको, और यहाँ पे कभी काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़, ठीक है, काफ़ी ऊँचे ऊँचे, उसके नीचे से पेंगोंग टोसो लेक जा रही है, ये लेक, तो क्या हुआ, इसके अंदर काफ़ी सारे सैनिक गिर गए। अभी कोरोना जब खुला था ना, पहली फेज नहीं खुली थी कोरोना की, बीच बीच में लॉकडाउन लग जाता था, फिर पहली बार जब कोरोना खुला था 8 महीने बाद, तब ये कांड हुआ था। तो यहाँ पे फिर दोबारा हमारे बीच क्या हो गई थी, गर्मा गर्मी हो गई थी, क्योंकि हमारे भी कम से कम ये बोला जाता 12 से 15 सैनिक कितने शहीद हो गए थे, और चाइना के 40 से 50 सैनिक इसी लेक में गिर गए थे। अरे बहुत ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई पे थे ना, और लेक जमीन पे चढ़ लिए, लेक उड़ेगी थोड़ी, तो मतलब बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गए थे सैनिक, लेक मतलब झील, क्या बात करती हो यार, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या, फिर से गर्मा गर्मी हो गई, मतलब हल्की सी प्यार की बातें करती नहीं, उसी में दुश्मनी हो जाती है, चाइना और इंडिया में यही चल रहा है, इसलिए बोला जा रहा है मैदा खाना छोड़ दो, पेट सही नहीं रहेगा कभी, चाइनीज है मैदे, मैदे वाले, उनको कभी भी हम पचा नहीं सकते, समझ आ रहा है, चाइना की ही कहानी है, हम उनको कभी पचा नहीं पाएंगे। अब आज वाला पढ़ते हैं, देखो, भारत चीन के समकालीन संबंध, समकालीन का मतलब क्या होता है,
समकालीन का मतलब जिस समय में हमें उस समय वाले, या समकालीन का मतलब होता है जिसे दो चीज़ें पैलर चल रही है। पैलर का मतलब चाइना भी ऐसे जिंदा है, हम भी ऐसे जिंदा है, हमारे अभी के संबंध, इस समय के संबंध, ठीक है। क्या बात है, सुनो भाई, सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया, अभी भी ससुरा यही है। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु, कैलाश मानसरोवर यहाँ पड़ता है, ठीक है, तिब्बत, तिब्बत में, ठीक है, यहीं से तो वो निकलती है सतलज रिवर, और इसके ऊपर से वो निकलती है, क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। अगर तुम्हें नहीं पता, वैसे नहीं पता है, चलो जानकारी बढ़ाते हैं, यहाँ से निकलती है सतलज नदी, सतलज सुना है, और यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ऐसे ऐसे, ये यहाँ के अरब सागर में गिर जाती है, समझ आ रहा है। ये पूरा चित्र बनाऊँ तो, अरे तुम्हारे बना के ही दे दो यार, तुम गरीब हो, तुम ना फिर आधा ही सोचोगे, दिमाग तुम आज ज़्यादा चला ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है। ये इंडिया इधर से, समझ आ रहा है, और ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, यहाँ से आती है सिंधु नदी, ऐसे निकलते 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 यहाँ अरेबियन सी में गिर जाती है, अरब सागर में, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आओ तो बोलो, क्योंकि मैंने पूछा ना तो फिर मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, और फिर मैं बेइज्जती मारता हूँ, समझ आ रहा है, नहीं समझ आया। अरे सिंपल सी बात है, यहाँ अमरकंटक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, मानसरोवर, अमरकंटक नहीं, मानसरोवर, मानसरोवर यहाँ पे राक्षस ताल है, क्या नाम है, राक्षस ताल, हाँ। तिब्बत इतना बड़ा देश है, ये पूरा तिब्बत है, तिब्बत के अंदर एक जगह है, जैसे सुल्तानपुरी में तुम बैठे हो ना, तुम तो सुल्तानपुरी नहीं हो ना, तुम तो करण विहार नहीं हो ना, समझ आया, तो ये तिब्बत, तिब्बत के अंदर एक जगह है, वहाँ पे क्या है, राजस्थान। इंडिया में काफ़ी सारी झीलें हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी है, और ये झील कभी सूखती नहीं है क्योंकि बर्फ़ है। अरे यहाँ तो बर्फ़ का एरिया है ना, बर्फ़ पिघलती है, थोड़ी टप टप करके बहती रहती है, बहती रहती है, बर्फ़ जमती है, बहती रहती है, जमती है, बहती रहती है, जमती है, बहती रहती है, हैं, फुल मजा आता है, इतना ठंडा पानी होता है, हाथ डालते ही बर्फ़ का हो जाता है, ऐसे पटको तो टूट जाता है, समझ आ रहा है। देखो कितना मतलब बचकाना दिमाग है वाला, देख रहा कितना बड़े, ये पता क्या बोलिए, सिंधु नदी ऊपर कैसे चढ़ती है, नीचे कैसे आ जाती है, भैया ये भारत यूं लेटा हुआ है, ये ऐसे खड़ा नहीं है भारत, समझ आ रहा है। हाँ नहीं, अधिकतर देशवासियों की तो यही दिक्कत है, यार सिंधु नदी ऊपर कैसे चढ़ती है, कौन चढ़ाता है, ये भारत यूं है लेटा हुआ, समझ आ रहा है, यूं लेटा हुआ है, नदी बरा ऐसे बहती है, पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ती है, पहाड़ के ऐसे ऐसे निकलती है, मेरी बात सुनो, ये पहाड़ है ना, यहाँ से ये नदी निकल रही है, मान लो ऐसे ऐसे, अब ये मत बोलना पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, पहाड़ के पीछे से आ रही है, समझ आ रहा है, नहीं तुम बोलो ऊपर से चढ़ के आ रही है, भैया बुद्धिहीन तरी जान के सुनियो पवन कुमार, कदम से यार मजा आ जाता है, ये सारी ये वाला कंफ्यूजन देख के ना बहुत खुशी होती है कि इतना बुद्धू, मेरे को भी होता था कभी, मैं यही सोचता था यार ये नदी ऊपर कैसे चढ़ गई, यार ये हाल ये नीचे वाली नदी यहाँ नीचे क्यों नहीं गिर रही है, ये ऊपर कैसे चढ़ गई है, इन्हों को लगा फट्टे वट्टे लगा रखे हुए दब जाती, तो ये जा रही है, ये सिंधु नदी, समझ आ रहा है, सिंधु नदी देखो यहाँ पे भी है, भारत में भी है, चाइना में भी है, इसके पानी को लेकर बड़ा लफड़ा रहता है, इसका 60% पानी चाइना, वो पाकिस्तान यूज़ करता है सिंधु नदी का, इसको सिंधु जल समझौता कहते हैं, भारत और चाइना उसके पाकिस्तान के 60-70%, मतलब ज़्यादा वाला हिस्सा इसके पास है, और बाकी नदियों का हम करते हैं ना, ये चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब का, नहीं तो ऐसे समझौता नहीं होगा, हम कभी पानी रोक लेंगे इनके यहाँ पानी नहीं रहेगा, और ये कभी रोक देंगे हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी, तो इसलिए संतुलन करके रखते हैं कि भैया दोनों बातचीत करके काम करेंगे, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु सुगम मार्ग बनाया जाए इस बार यहाँ पे यात्रा करने के लिए, कैलाश मंदिर जानते नहीं होगा, भगवान भोले का, तो वहाँ जाने के लिए, केदारनाथ की बात नहीं कर रहा, कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर की यात्रा होती है कैलाश की, वहाँ किसकी कॉल है, सद्दाम, ठीक है, अरे दंगे करवाएगा, छोड़ो। सुनो, मई 2016 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए, ओहो प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पे जा रहे हैं, यही यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में तथा परमाणु आपूर्ति सहज NCG द्वारा यूरेनियम की भारत को पूर्ति, इससे पहले चीन द्वारा भारत को NPT पर हस्ताक्षर करने के बाद, अच्छा यहाँ पे 2016 में प्रणब मुखर्जी क्यों गए हैं, क्योंकि चाइना क्या कर रहा था, एक अजहर मसूद नाम का आतंकवादी है, इंडिया बोल रहा था उसको आतंकवादी बोलो, लेकिन चाइना वीटो कर रहा था, नहीं आतंकवादी नहीं,
ठीक है। और क्या दूसरी बात क्या है? हाँ कौन भी कर रहा था, चाइना भी कर रहा था। चाइना ने, इंडिया बोल रहा है किसी को आतंकवादी, चाइना बोल रहा नहीं आतंकवादी। जरूरी नहीं है पाकिस्तान को ही सब आतंकवादी बोल दोगे, कहीं और का भी तो हो सकता है अजहर मसूद, सब पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। चाइना समर्थन कर रहा था, चाइना से उसका समर्थन करेगा ही जिसका इंडिया सपोर्ट करेगा। अजहर मसूद तो पाकिस्तान में था, वो कहाँ लिखा है पता नहीं, पर लग रहा है बदनाम है मुसलमान तो पाकिस्तान, पाकिस्तान तो इंडिया से निकला है, उससे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है दुनिया में, समझ आ रहा है? बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान तो हलवा बराबर है, उसके अंदर दम भी नहीं है। उस आदमी के लिए चीन ने उसको साथ दिया। अरे उस एक आदमी के लिए नहीं दिया, हमारे हमारे खिलाफ है चीन, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है चीन का। अगर हम बोलेंगे ना ये लाल कलर है, चीन बोलेगा नहीं ये तो नीला है भाई। हम बोलेंगे नीला है, अच्छा बोलेगा नहीं ये तो लाल है भाई। बोला हमारे को जीने नहीं देगा वो, चाइना का सिस्टम है। और देखो, और दूसरा क्या है, यूरेनियम द्वारा परमाणु की भारत को आपूर्ति चीन द्वारा। देखो चीन क्या बोल रहा है, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोहिबिटेड टेस्ट ट्रीटी है, ऐसा ट्रीटी वो है ना, परमाणु टेस्ट करने की, मतलब परमाणु फोड़ के देखने की ट्रीटी, उसको करने के लिए तो ये चाइना बोला है इस पर सिग्नेचर करो। तो वो तो एनपीटी था। अरे भाई एनपीटी एनपीटी बहुत सारी है, ठीक है, कभी पढ़ोगे ना तब पता, 350 हुए नाम ऐसे ऐसे, इनके बेहोश हो जाओगे तुम, कई सारी है भाई, LBT, CBT, CTT, LLT, LLM, PLLM, पता नहीं क्या क्या, BSc, MSc, ये भी जोड़ दो इसी के अंदर। जो ये सारी नाम है उसमें एक ही काम होता है सिर्फ, भैया पढ़ना पड़ता है उसके लिए, सब में अलग अलग काम होता है, कोई परमाणु के लिए, कोई परमाणु टेस्ट करने के लिए, कोई ये परमाणु नहीं बनाना है इसके लिए, कोई बोल रहा है परमाणु बना लोगे लेकिन टेस्ट नहीं करना है उसके लिए, तो क्या देखने के लिए बना रहे हैं, इसको सजाएंगे, लो परमाणु लो परमाणु। देखो कितनी सिंपल लड़की है, मुझे टेस्ट नहीं पता क्या होगा उसका, उसको तोलेंगे कि कितना भारी परमाणु बना है, ओह देखा कितना होशियार है, तो यही है ना, वो बंदे समझ नहीं पा रहे, उनको जाके समझा देना, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, अरे क्यों ना बनाए, अगर आज परमाणु नहीं होता ना, ये पाकिस्तान वाले रोज है ना सुसु कर लेते हमारे यहाँ पे आके, समझ आ रहा है क्या क्या, सबको तो तुम कह ही नहीं सकते, पड़ोसी को कि तुम नाली में कीचड़ मत करो, ना पड़ोसी तो करेगा, तुम करो या ना करो, तू नाली गंदी मत करो, जो नाली में चावल फेंक देते हो बुद्धिहीन, नाली में सब कुछ फेंक देते हो, हमारे इंडिया में नाली बनाई जाती है पानी निकलने के लिए, उसके अंदर दुनिया भर का चीज़ें घुसी होती हैं, कचरा नाली में मिलता है, जबकि कचरा कूड़े में होना चाहिए, नाली कूड़े के नहीं होती, क्या बात है, लड़की के लिए ताली भाई बजा दो भाई, सम्मान देना चाहिए भाई। सुनो तेले भी बजानी है, सुनो तो यूरेनियम जानते हो, अरे यूरेनियम जानते हो, यूरेनियम होता है, यूरेनियम जो मैं वो है ना तत्व, उसको परमाणु के अंदर यूज़ किया जाता है परमाणु बनाने के लिए, तो वाइब्रेनियम, अच्छा वाइब्रेनियम देख रही है वो, ये मूवी देख के आ रही है कोई, वाइब्रेनियम सुनो, अरे भाई हमने भी मूवियाँ देखी है, वाइब्रेनियम का नाम लेते हैं सबको लगता है बस यहाँ बम ही फूटने वाला है, सुनो हाँ, अच्छा क्या होता है ये, अरे भाई उससे बनाया जाता है वाइब्रेनियम, क्या होता है तत्व होता है, समझ आ रहा है, मेटल, सुनो मेरी बात सुनो, क्या बता रहा था मैं, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम है ना अलग अलग देशों से मंगवाए जाते हैं, ठीक है, तो हम यूरेनियम मांगते हैं और उसका यूज़ करते हैं ना, तो चाइना बोलता है मत करो, जब तक तुम NPT पे सिग्नेचर नहीं करोगे ना तुम्हें यूरेनियम नहीं देने देंगे, क्यों, क्योंकि यूरेनियम से क्या बनना है, परमाणु, और परमाणु के दो यूज़ होते हैं, एनर्जी के दो यूज़ है यार, माचिस के तिल्ली है, दो काम कर सकते हो, अपने अंदर आग लगा लो या किसी का घर रोशन कर दो, है ना, दो काम हो सकते हैं ना, किसी का घर रोशन कर दो या किसी का घर रोशन कर दो, ठीक है, समझ आया, तो इसीलिए क्या है, चाइना क्या बोल रहा है, भैया तुम परमाणु बनाओ, सिग्नेचर कर दो कि तुम बना बम नहीं फोड़ोगे, तो तुम परमाणु से, परमाणु दो केस लिए बनाया जाता है पता है, ये जो लाइट बंद चल रही है ना ये परमाणुओं से बनाई जाती है, प्रक्रिया होती है परमाणु खंडन और परमाणु संलयन, कभी 10th क्लास में साइंस हिस्ट्री से पढ़ी होगी तो याद आ जाएगा, ठीक है, एक में परमाणु को जोड़ा जाता है, एक में परमाणु को तोड़ा जाता है, दोनों से ही बहुत हाई लेवल की एनर्जी निकलती है, जब परमाणु आपस में भिड़ाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, और जब परमाणु को तोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, एटम है ना बहुत ज़्यादा शक्ति फेंकते हैं, तो उस जो तुमने सुना है ना परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, वो अलग चीज़ के लिए बोला जाता है,
वो एक कण के लिए बोला जा रहा है कि इस अंगूठी के अंदर जो चांदी है ना, चांदी का परमाणु सबसे छोटा है, और एक परमाणु बोला जाता है परमाणु बम को, बम अलग चीज है और परमाणु एटम अलग चीज है, लेकिन नाम एक ही रख दिया उसका। मैं बोल रहा हूँ कितना बड़ा होता है वो। भाई परमाणु अलग अलग साइज के होते हैं। अरे ये वो उसकी, ये जो तू बोल रही है ना, ये तू ये परमाणु की डेफिनेशन बोल रही है। किसी भी तत्व की ना सबसे छोटी इकाई को परमाणु बोला जाता है, लेकिन परमाणु बम का भी नाम रख दिया गया है क्योंकि वो काम वही कर रहा है ना, छोटी से छोटी इकाई को नाश करने का काम करता है, जला के, समझ आ रहा है। और परमाणु बम अलग अलग साइज के होते हैं, ये मत सोचना दिल्ली जितना बड़ा परमाणु होगा, परमाणु बम तो ऐसा ही होगा जैसे हैं कितना इतना छोटा सा परमाणु। लक्ष्मी बम मार रहे हो क्या कि हाँ अब तेज आवाज आ गई, बीडी बम फोड़ रहे हो मुंह पे लगा के, चकुंदर ग्रेनेड, चकुंदर जैसा होता है चकुंदर। सुनो वो भी तो ऐसे होता है। अरे वो यार उसको मारने से इतना उड़ेगा, ये स्कूल उड़ जाएगा, ये घर उड़ जाएगा, परमाणु मारने से दिल्ली उड़ जाएगी भाई, परमाणु है वो, उसके हाई लेवल के ना इंटेंसिटी उसके अंदर है ना, इतनी खतरनाक वाइब्रेशन होती है ना, और इतना खतरनाक टेम्परेचर बनाता है ना वो परमाणु, और इतना छोटा नहीं होता होगा परमाणु, ये सोचो इस कमरे के जितना तो गिराएंगे तो कहीं गिराएंगे तो, समझ आ रहा है लगभग, ठीक है। एरोप्लेन से गिराए जाते हैं तो सोचो इस कमरे के आधे आधे परमाणु गिरे होंगे दो, एरोप्लेन से गिराए जाते हैं, एरोप्लेन में चला जाता क्या, एरोप्लेन छोड़ के भागता उसको लेके नहीं कि तेरे साथ कूदूंगा मैं, मतलब क्या दिमाग चला रहे यार, एरोप्लेन है, एरोप्लेन में परमाणु गिरना है, चलते चलते गिर दिया, ले परमाणु गिर गया कि साथ में लेके फोड़ेगा कि नहीं चलो नीचे साथ में फूटूंगा देखूंगा। ऊपर तक जाते होगे ना, ऊपर से बारिश होती है उसकी जो होती होगी गैस ऊपर तक जाती होगी, नहीं तब तक वो वहीं रुकेगा कि हाँ मैं यही रुकूंगा, यही रोकता हूँ, तुम जलाओ नीचे मेरे को, मैं ऊपर बैठता हूँ तवे पे। हाँ परमाणु बम बहुत बड़ा होता है और सबको उड़ा देगा, जो परमाणु फोड़ एरोप्लेन जहाँ तक जाएगा वो भी तो गैस। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरी बात सुनो, कोई भी बंदा सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी इधर देखो, इधर देखो, तुम कभी बम जलाते हो, बम जलाते हो तो बम से दूर जाते हो या पास जाते हो? कोई भी जलाती हो तो क्या मुंह के अंदर रख के फोड़ती है? हाथ में फोड़ती है। तू आलू बम हाथ में लेके फोड़ सकती है जो इतना बड़ा काला सा होता है, उसको रख के दो मतलब 10 फुट बाहर भागती है ना, तो हम जिससे जितना खतरा होता है अपना अनुमान लगा के दूरी बना लेते हैं ना, तो जैसे ही परमाणु छोड़ते हैं भाग जाते हैं एरोप्लेन लेके कि वहीं रुकेंगे। कभी तुम रोटी बनाते हो क्या, तावे पे हाथ चिपका के रखते हो कि नहीं रोटी को पूरा बनाऊंगी, तावे पे चिपका रहे, ले ले बन। ओ भाई हवा से परमाणु गिनने में टाइम लगता है, इतने में है ना अब लेके भाग सकते हैं, साइकिल पे नहीं होते कि साइकिल रोकी परमाणु यूं फेंका फिर वहाँ तो जा रहा है। ये क्वेश्चन किसी और से मत पूछो, मारेगा वो तो, मैं तो इज्जत कर रहा हूँ। अगर तेरे जितने होशियार हो ना तो तेरे साथ खेला हो जाएगा। सुनो ये भगवान माफ करना, बच्चा है छोटा ना समझ है, परमाणु मत गिनना। सुनो तेरे जैसे कौन है एयरफोर्स में नहीं लेंगे। सुनो तुम अपने तुम खुद ही कूद जाओगे लेंगे, अल्लाह अकबर। सुनो भारत व चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति श्री जीपिंग। अरे क्या नाम है इसका मच्छर का, जिंग पिंग, मस्त नाम है, जिंग पिंग जिन पिन। अरे पिन कोई सी भी पिनो, हमें क्या करना है, सुई हो पिनो, कैची हो, धागा हो। सुनो तो दोनों देशों में देखो, दोनों देशों में दोस्ती बढ़ाने के लिए आपस में मिलते रहते हैं, कभी हम जाते हैं उनके यहाँ, कभी वो जाते हैं हमारे यहाँ, कभी हम दोनों कहीं जाके मिलते हैं, चाय नाश्ता मोमोज ये सब चलता रहता है। सीधी सीधी बात होती है, मिलो और नमकीन खाओ दूसरे के यहाँ की, चख के आओ कितनी अच्छी है। क्या हो गया, सीक्रेट बात कर रहे हो। सुनो हाँ सी जिनपिंग ये कब से है, देखो इसके नाम में सी लगा है, बताओ शर्म नहीं आती इसको। श्रीमती लगा ले, श्री सी लगा रहा है, ही लगाना चाहिए था सी, मतलब आगे बंदों को इंग्लिश नहीं आती क्या, सी जिनपिंग। सुनो
भारतीय प्रधानमंत्री ने पी टू पी पीपल टू पीपल संबंधों पर स्ट्रेंथ की संकल्पना के आधार पर जोर दिया। ऐसे अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता टीसे ट्रेडिशन टीसे ट्रेड टीसे टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ की ये पूरी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना के साथ स्ट्रेंथ करा है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ लो स्ट्रेंथ के अंदर तुम सारी बात पढ़ोगे। इसके अंदर क्या है? सारी चीज़ें, दोस्ती यारी टेक्नोलॉजी संस्कृति सब कुछ, सारे एक दूसरे से क्या करना है, मैन टू मैन बांटना है। समझ आया? चाइना और इंडिया के बीच में, समझ आया? और इस नीति का क्या नाम रखा है? स्ट्रेंथ, कोड बना दिया स्ट्रेंथ। हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। अब इसने सहमति दे दी चाइना ने, बताओ अब माना है जाके इतने सालों बाद? मतलब क्या 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 रुसवा हो रखे थे इतने साल से, मान नहीं रहे थे, अब माने? कुछ तो खिलाया होगा, है ना? टैडी डे पे टैडी डे दिया होगा तभी माना है ना? ये सी जिनपिंग तो वैसे ही है, सी शादी के लिए किस चीज़ के लिए मांगे? अजहर मसूद है ना जो आतंकवादी, उसको आतंकवादी घोषित करना है, यूएनओ में वोट डलवाना है। इंडिया गया है, इंडिया गया है, इंडिया बोल रहा है कि भैया अजहर मसूद को हम आतंकवादी बोल रहे हैं, सारे मिलकर उसे आतंकवादी घोषित कर दो। तो उसमें पहले क्या होता था, 5 वीटो पावर वाले देश थे, उसमें से एक था चाइना, वो बोलता था हम नहीं बोल रहे, लेकिन अब चाइना ने बोला हम भी बोल रहे, जाओ खुश रहो, तुमने टैडी दिया है तुम्हारे लिए इतना बनता है ना? सी जिनपिंग नाम है ना उसका, क्या पर्यटन मतलब घूमना फिरना, पर्यटन नहीं पता, देखो उसे ही पता है, ब्लॉग बनाती है लड़की, ट्रैवलिंग, ट्रैवल मतलब होता है घूमना फिरना। चाइना से लोग यहाँ घूमने आएंगे, हम जाएंगे बीजिंग को देखने, जाएंगे नहीं जाएंगे? चौंग पोंग चिंग पोंग पोंग, हम भी तो जाएंगे देखने, बीटीएस को देखने जाएंगे हम, है ना, नचनियों को, तो हम भी तो देखने जाएंगे, वो भी हमारा ताजमहल देखने आएंगे। ओ लब की निशानी, हाँ लब की निशानी, 500 रुपये लब की निशानी, हाँ काटेंगे तुम्हारे को। ठीक है, वुआन, वुआन, ओए चाइना की करेंसी का नाम वोन है ना, वोन, वुआन नहीं वोन, वोन है ना, आई सेड राइट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड, आई आस्क्ड टू यू, आप भी इंग्लिश सीख रहे थे ना, गुड, दैट्स वन। पाकिस्तान की करेंसी का नाम है रुपया, पाकिस्तानी रुपया, हबीबी कम टू दुबई, बांग्लादेश, ओए इधर देख लो पहले, तुम इधर ही सारे रिश्तेदारी चालू कर देते हो, पता नहीं क्या क्या, बांग्लादेश बाद में पूछियो, बांग्लादेश की बांग्लादेशी रुपया, क्योंकि पहले सारे इंडिया के अंग थे ना, तो सभी के अंदर रुपया है, आसपास के म्यांमार में भी रुपया, म्यांमार में शायद कोई और है, नहीं वहाँ म्यांमार में भी रुपया ही होगी, बस उनके देश के नाम पे होगी, बस गांधी नहीं है उनकी नोटों पे, सोच रहे हो गांधी जी होंगे, पाकिस्तान में जिन्ना बना हुआ है, कहीं तुम वहाँ गांधी ढूंढो, गांधी नहीं दिख रहे, ये कौन है अंकल? सुनो मई 2018 में दोनों देश स्वास्थ्य शिक्षा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अफगानिस्तान में अपने विकास कार्यक्रम के समन्वय के लिए सहमत हुए। दोनों ने मिलकर 2018 में क्या करा, अफगानिस्तान में स्वास्थ्य की सुविधाएं बहाल की। 11 अक्टूबर 2019 को चीनी राष्ट्रपति ने भारत और चाइना के बीच दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात की। देखो तमिलनाडु में मिला, इसे साउथ के बंदे पीटते बहुत, पर ये बच गया सी जिनपिंग। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान के संबंधों पे आ जाओ, ये हुई ना बात, अब लगेगी आग सीने में, सुनो भाई। भारत और पाकिस्तान 1947 द्वारा पाकिस्तान, देखो भारत का विभाजन, पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध की शुरुआत कड़वाहट बढ़ी रही है, कड़वी रही, ठीक है, बड़ा बेकार माहौल था। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया, 1947 में ही। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर अनाधिकृत कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान ने हमारे भूभाग पर कब्जा जमा लिया ना, ये कहानी पे, ठीक है।
1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्या दिया? ये जो प्रधानमंत्री थे मतलब ये बहुत रिस्पेक्टफुल प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। हाइट में ये इतने ही होंगे, इनके स्टेडियम गई उनको तो पता भी नहीं है उनका स्टेडियम है वो। नहीं वो म्यूजियम लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भी है। अरे भाई किसी के मरने के बाद रख दिया उसका नाम, उन बंदों को तो पता भी नहीं है कि हमारे नाम पे रखा गया। देखो ये सोच रही वो स्टेडियम में रहते वो रहते थे प्रधानमंत्री हाउस में। हर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री हाउस में रखा जाता है। वो 1.5 साल प्रधानमंत्री हाउस में रहे। कहाँ पे? नेहरू स्टेडियम। यार गए होंगे ये पूछने, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, अब हर जगह बताऊंगा मैं। तो वो तो उनको इतना सब कुछ बना रखा है वहाँ पे। तो यार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं तो बनाएंगे नहीं क्या याद के लिए? हाँ नहीं तुम्हें तो यही पता रहे केवल अपने घर में ही रहते थे और अपने किचन और बाथरूम के अलावा कहीं गए नहीं हो। हाँ देखो वो भी आगे पढ़ने बोलने ज्यादा बातें बता रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री का तो मतलब पुराना टाइप का बना रखा है, नेहरू जी का तो बहुत वो बना रखा है फैंसी टाइप। नेहरू जी की कांग्रेस सरकार, नेहरू जी बहुत मतलब प्रतिष्ठित बंदे थे ना। क्या लाल बहादुर शास्त्री था जेन्युइन बंदा। जेन्युइन बंदा का मतलब उस आदमी के पास है ना, मतलब ऐसा बंदा था एक टाइम पे ना भारत इस स्थिति में था, भारत के पास खाने के नहीं था। तो नेहरू जी ने जब 1965 में युद्ध छेड़ा था ना पाकिस्तान से, यही वाला जो दूसरा पैरा है उसमें बता रहा हूँ तुम्हें, फालतू कहानी नहीं बताता मैं, ठीक है। 1965 में जब युद्ध छिड़ा था ना, हंसने की बात नहीं बहुत सीरियस बात है सुनो, 1965 में तुमसे व्रत नहीं रखा जाता है। ये शास्त्री जी ने कहा कि हर बंदा है ना आज से व्रत रखेगा हफ्ते में एक बार। क्यों? क्योंकि भारत में खाद्यान्न संकट था और अमेरिका हमें बोला था पाकिस्तान से युद्ध बंद करो नहीं तो तुम्हें चावल नहीं भेजेंगे। हमने बोला तुम्हारी माँ की आँख हम बनाएंगे। हाँ चाइना ने नहीं, हमने बोला था अमेरिका हमें दिखा रहा था सिगड़ पत्ती अपनी, हमने कहा तेरे को भी देखेंगे भाई अभी रुक तम्बाकू बना ले थोड़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाई तम्बाकू। हाँ और उन्होंने पहले क्या बोला, खुद व्रत रखा। जब उन्होंने बोला ना अपने कैबिनेट में बोला हमें व्रत रखना चाहिए ये करना चाहिए, उससे देश में क्या होगा, खाना बचेगा। यार एक दिन खाना नहीं खाएगा कई सारे देश में 30 करोड़ लोग हैं, उन्होंने आधा इधर रोज आधा किलो खाना खाते हैं। सोचो 30 करोड़ को आधा किलो से गुणा करो कितने साला किलो, 30 करोड़ किलो के आसपास सोचो, नहीं 15 करोड़ किलो खाना बचेगा। आधा किलो होता है ना सबका, तो 15 करोड़ किलो खाना बच जाएगा एक दिन का, सोचो कितना खाना बचेगा। तो उन्होंने बोला तो उनके घर वाले उन्होंने पता क्या सोचा कि पहले मैं तो देख लूँ मैं भूखा रह पाऊंगा मेरे बच्चे रह पाएंगे, मैं देश को कैसे बोल सकता हूँ भूखा रहे। आज के वाले नेता होते साले खुद तो बर्गर ठूस रहे होते पीछे, बोलते कि हमने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ ऐसे ही काम होता है, जैसे आजकल की औरतें तो व्रत में 4 किलो आलू ठूसती है फिर बोलती है बहुत बड़ा व्रत है हमारा पति के लिए, पति फिर बीमार हो जाता है। पति को लगता है कि साला मेरी ही कुछ गलती है। ऐसी थोड़ी लफड़े हो रहे हैं, मार धाड़ ये कुकर फेंक के चोटी मार लड़ाई होती है कोई सभी एक दिन का जो रखती है। अरे बहुत सारे व्रत देखे हैं मैंने, मुझे मत बताओ। अरे तू तो कुछ भी नहीं खाती, तेरा वाला व्रत मैं जानता हूँ। व्रत में आलू भी खाने, चिप्स भी खाने और क्या वो भी पीना है शरबत बना के, उसके बाद डकार ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे यार बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है व्रत में, कैसे हम व्रत रखते हैं। मेरे को सच्चाई पता है तो क्यों बोल ले दूँ, मुझे नहीं पता निराजली व्रत क्या होता है। एक दिन निराजली व्रत कोई रख लेता है 100 में से एक औरत, उसके चक्कर में सारी लेके खड़ी हो जाती हूँ कि हाँ निराजली व्रत भी तो रखते हैं हमें। बहुत रखते हो एक दिन में कितना व्रत रखा है तुमने? हमने नहीं रखा ना। अब दूसरे की लाठी लेके मत चला करो, जिस दिन खुद रखने लग जाओ। मुझे दूसरे का ही मत बताओ, दूसरों को भी पता है मेरे को कौन कितना रखता है। इतना व्रत रख रहे होते ना सबकी हेल्थ पता लग जाती, 400 दिन तो बीमार रहते हो 300 दिन में से तुम व्रत रख रहे हैं। सुनो अरे बस हैबिट किसी की नहीं होती। सुनो तो क्या था कि लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने घर में उस दिन खाना नहीं बनने दिया, अपने घर में उस दिन खाना नहीं बनने दिया था। उन्होंने सीरियस बात है, अपने उनके घर में उस दिन खाना नहीं बना था और ये पूरे देश को पता लगा था और फिर अगले दिन से चालू हो गया पूरे देश में खाना नहीं बना, समझा। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे टाइप के बंदे थे। फिर उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान कि केवल आर्मी वालों से देश नहीं युद्ध नहीं जीतेगा, किसानों की ही मदद करो। तो ये नारा लगाया, किसान भी मोटिवेशन में आ गए और लोग भी मतलब किसान मोटिवेशन में आ गए और सेना भी मोटिवेशन में आ गई और उस 1965 का युद्ध हमने जीता, समझ आया।
और किससे सुनने के लिए मिलता है कि लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार थे कि है ना उनके उनका लड़का एक दिन है ना उनके सरकारी कार लेके चला जाता है, तो अपनी सैलरी में से जो उनकी सैलरी होती है, कुछ प्रधानमंत्री की सैलरी होती है कुछ, तो अपनी सैलरी में से शाम को पैसा देते हैं, जो होता नहीं है मतलब पैसा काटने वाला पूरा लेखा जोखा रखता है उसको कि भाई ये मेरा लड़का गाड़ी लेके चला गया था तो पैसा ले लो इसका। आज के बंदे तो सब खा लेंगे, प्रधानमंत्री भवन का नाश मार देंगे तब ना बोले कि हमारे अकाउंट में से पैसा काट लो। मतलब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होते हुए उनका लड़का गाड़ी लेके चला गया था एक दिन गलती से मौज के लिए, अपने टाइम पास के लिए, तो वो इतने ज़्यादा स्वाभिमानी आदमी थे, उन्होंने बोला मेरी सैलरी में से पैसे काटो इसके तेल के, जो है बिना बात के लिए गाड़ी चली है, समझ आया? क्योंकि ये तेल, ये गाड़ी जो है और इसमें जो तेल है वो देश के लिए है, ये हमारे पर्सनल के लिए नहीं है। हाँ, सरकार का है, प्रधानमंत्री मैं हूँ, मेरे पर्सनल के लिए गाड़ी नहीं मिली है, समझ आया? ईमानदारी का लेवल देख रहे हो? और वही एक दो कुर्ते पे तैर रहते थे उनके पास, ज़्यादा टाइम रहे कहाँ थे, उनको षड्यंत्र करके मार भी दिया गया। ताशकंद गए थे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, वहाँ पे गए थे 65 का जब युद्ध जीते गए थे ना हम लोग, तो वहाँ पे गए थे, ताशकंद समझौता हुआ था। तो पता नहीं क्या बात हुई थी कि उनकी हत्या, बोला जाता है वो रात में वहाँ पे मर गए थे, ठीक है, अब ये पता नहीं लगा वो कैसे मरे। हाँ, लेकिन कई सारी बातें पता लगती है कि कैसे मरे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ना नीली पड़ी हुई थी, मतलब जब बॉडी आई थी तो उससे कई सारी बातें पता लगती है, तो उससे पता लगता है जिन बंदों ने इसके ऊपर काम करे। देखो राजनीतिक कत्ल होते हैं ना तो पता नहीं लगते, क्योंकि उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी और उसके अंदर कई सारे बंदे थे जो पावरफुल थे, और शास्त्री जी से कई सारे बंदे चिढ़ते थे, क्योंकि शास्त्री जी स्वाभिमानी आदमी थे। स्वाभिमानी का मतलब ना किसी का लेना ना किसी को फालतू को देना, समझ आया? देश के लिए बनाऊँ मैं, देश के लिए काम करूँगा, दूसरे की ऐसी की तैसी, अपनी पार्टी वालों का भी सपोर्ट नहीं करते थे, बोलते जो सही है वही करूँगा। तो माना जाता है कि उनकी राजनीतिक हत्या करी गई है। रात को सोए थे वो बात करके, 10-11 बजे के करीब मीटिंग करके आए थे, रात को 11 बजे के करीब बात करके सोए थे अपनी पत्नी से, फिर पता लगा 3-4 बजे के करीब उनके वो मर चुके। फिर कॉल आया दिल्ली में, भारत का प्रधानमंत्री मर गया, भाई हलवा है क्या? भारत का प्रधानमंत्री कहीं गया, वो मर गया, और उसको लाया, पोस्टमार्टम भी नहीं किया, ऐसे ही जला दिया। सोचो आज गली के नुक्कड़ पे नशेड़ी मर जाए उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, भारत का प्रधानमंत्री था उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सोचो है, ऐसा नहीं होता, पोस्टमार्टम की प्रथा बहुत पहले से है। भारत का प्रधानमंत्री है दीदी, प्रधानमंत्री समझते, प्रधानमंत्री की पावर क्या होती है, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी क्या होती है, प्रधानमंत्री के पास पावर क्या होती है। भारत का मेन बंदा जो जा रहा है किसी देश का, मतलब मेन बंदा है वो, राष्ट्रपति के बाद अकेला वही है। भैया राजनीति है, उनको जो मारा गया है ना राजनीतिक हत्या हुई है, किसी को पता नहीं लगने दिया है। कांग्रेस के थे, लेकिन उस समय कांग्रेस और पार्टी भी नहीं थी कोई, उसमें कांग्रेस के बंदों ने कुछ चाल चली होगी और दूसरे देश वालों के साथ मिलकर कांड किया है, समझ आ रहा है? क्योंकि उस समय पाकिस्तान को भी हराया था, क्या कौन लेता है एक्शन कुर्सी के लिए, तो लड़ाई होने लगी थी। लाल बहादुर शास्त्री की बॉडी आई नहीं, उससे पहले कैबिनेट पलट गया, सारे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। ऐसा नहीं होता ना, पता ही नहीं लग सकता ना, वही तो बात है यार, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, याद रखियो, समझ आ रहा है? चोर चोर मौसेरे भाई, चचेरे भाई, तू भी चोरी है, मैं भी चोरी करता हूँ, मैं तेरी बताऊँगा जाके पुलिस में और तू मेरी बताएगी, नहीं दोनों ही मजे लेंगे, ये वाला काम होता है, ये बहुत गलत चीज़ है, इसी की वजह से देश बर्बाद होते हैं। लेकिन शास्त्री जी थे, काम के आदमी थे वो, ठीक है। और देखो इस टाइम होते तो बहुत अच्छा ही होता देश, मतलब बहुत सारे बंदे हैं जो अच्छे अच्छे बंदे रहे हैं। अरे नहीं, इस टाइम तक थोड़ी होते यार, जब उस समय थे वो 55-60 साल के तो उससे ज़्यादा ही होंगे वो, जब उस समय वो थे, ठीक है, जीते कि ना जीते 75 साल, अभी थोड़ी आज तक थोड़ी जीते 40 साल फालतू, आज से 50-55 साल हो गए उनके ख़त्म हुए, है ना, 65 में ख़त्म हुए, 65 से अभी जोड़ो कितने हुए, 35 साल इधर और ये 23 इधर जोड़ दो, कितने हो गए, 35 और 20 55 57 57, हाँ 23 है ना, तो 58 साल हो गए, सोचो अभी कहाँ जीते यार। उनके बाद बने थे कुछ दिन के लिए चौधरी चरण सिंह, मतलब कार्यकारी प्रधानमंत्री, उनके बाद आई थी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को जानबूझ के बनाया था, कांग्रेस का एक सिंडिकेट होता था पावरफुल दल, वो तुम आगे पढ़ोगे इस चैप्टर के बाद आएगा, कांग्रेस का विभाजन ना तब पढ़ोगे। कांग्रेस पार्टी में एक बहुत प्रभावशाली दल होता था, मतलब जो मेन मेन बंदे होते थे उनको सिंडिकेट कहते थे। कौन क्षेत्रीय कांसा नहीं है, ये कांग्रेस का बंटवारे वाले चैप्टर में है,
पता नहीं ऐसे ही चैप्टर है, कांग्रेस का विभाजन पढ़ोगे तुम उसमें कई सारी पार्टियों के बारे में। ठीक सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ के हस्तक्षेप के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान गए। ठीक है, इन दोनों में समझौता हुआ जैसे भी हुआ। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में पीपीपी 65 में बताया तो पीपीपी का नाम फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी थी और यहाँ पे एक पार्टी थी, यहाँ वाला भी तो पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है, यहाँ वाले पाकिस्तान में पीपीपी थी, पार्टी का नाम था मेरे को याद नहीं आ रही, पाकिस्तान पॉपुलर फ्रंट ऐसे करके पता नहीं यार मेरे को याद नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टी थी, यहाँ पे थी, तो इस वाली पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, ये नेता थे यहाँ के बहुत बड़े, इनका नाम था बंग बंधु बोलते थे इनको, क्या बोलते थे ये आंध्र प्रदेश क्या भाई, अब इतना तो जहर चाहिए बस मेरे को मरने के लिए, कभी कभी दुख होता है यार, मेरे दिमाग नीचे तो नहीं है। अरे भाई मेरी बात सुनो, देखो ये था पश्चिमी पाकिस्तान, ये था पूर्वी पाकिस्तान, समझ गया। कुछ समझ नहीं आया क्या बोलूं तुम्हें, कचड़ा हो तुम बेहुदा हो बेहुदा, हाँ दिमाग की दही कर रखी है। देखो ये था ऐसा हिस्सा जुड़ा हुआ था, ठीक है, इसको बोला जाता था पश्चिम पाकिस्तान, इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना है, पता नहीं यार तुम अपने से नाम बना रहे हो। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, पी 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 लिख देना तुम भी, बोल देना आज ही लिखा था क्या जा रहा है, वैसे ये नहीं पूछने वाला। ठीक है, उन्हें मेन कहानी क्या है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे आम चुनाव हुआ, यहाँ पे आम चुनाव हुआ, ये सोच रहे थे ये जीत जाएंगे, यहाँ वाला बंदा जीत गया, उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान और ये था गांधी जी का दोस्त। ठीक है, इसे क्या कहते थे, बंग बंधु कहते थे, इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, गांधी का मतलब नटुआ गांधी, छोटुआ गांधी, जैसे होता नहीं है किसी के जैसे गुल्लू किसी के पापा का नाम है, उसका लड़का होगा छोटा गुल्लू आ गया, ऐसे नहीं बोलते, छोटा पप्पू आ गया, छोटा टिल्लू आ गया, छोटी सीमा आ गई, है ना, तो ऐसे करके गांधी जी का मतलब गांधी जी की तरह इसको मानते थे यहाँ पे, तो छोटा गांधी आ गया, तो सीमांत गांधी कहते थे इसको। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत फेमस थे, तो ये पाकिस्तान वाले ने यहाँ के पाकिस्तान वालों को ना बहुत नीचा बोलते, बोला तुम नीचे कैटेगरी के मुसलमान हो। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, तुम थर्ड कैटेगरी के मुसलमान हो, तुम जाके सफाई करोगे, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा जीत गया और यहाँ के पाकिस्तान वाले किलस गए, बोले ऐसे कैसे वो बंदा जीत सकता है वहाँ का होके, तो यहाँ पे क्या करा, इसको बुलाया और इसको गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ पे जितने बंदे थे उन पर अत्याचार चालू हो गया, पाकिस्तान की आर्मी क्या करने लग गई, बोलो मुझे क्या करने लग गई, शोषण करने लग गई, शोषण का मतलब है, हाँ इधर वाले लोगों का ये शोषण करने लग गए, कौन से पाकिस्तान है, पश्चिम कहाँ गए यार, पश्चिमी पाकिस्तान वालों का पूर्वी पाकिस्तान वाले क्या करने लगे, शोषण करने लगे, यहाँ आर्मी लोगों को मारने लग गई बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, चुनाव का भी कोई अर्थ नहीं रह गया, यहाँ के बंदे यहाँ आने लग गए भारत में भाग भाग के, बॉर्डर पार करके इधर इधर आने लग गए, चारों तरफ तो भारत ही है, समझ आ रहा है। ठीक है, सीक्रेट बात बता दी गई, जलवे हैं, सुनो तो फिर क्या हुआ कि अरे शरणार्थी आने लग गए ना, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, 1971 की बात है ये, इस समय इंदिरा गांधी थी। ठीक है, एकदम खतरनाक लेडी, काट लेती थी जो कुछ भी बोलता था फालतू, सुनो तो इंदिरा गांधी मतलब बहुत मतलब तगड़ी औरत थी, मतलब औरतों में औरत हो तो इंदिरा गांधी हो, 2 साल इमरजेंसी लगा के फिर अगले साल जीत जाए चुनाव, बताओ क्या जलवा है यार। ठीक है, देखो अरे बस भाई तो हमसे पूछो, सुनो फेल हो जाएगी तो मेरे को बोलेगी, उसको नहीं बोलेगी ना, सुनो तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई ये तो दिक्कत हो रही है, यहाँ बंदे आएंगे तो हमारी जगह पे आएंगे ना, हमें इनको खाना पिलाना पड़ेगा, ये सब्जी की लाइन में लड़ेंगे, इनके ऊपर सब्जी की रहेगी जलेंगे, मतलब दिक्कत होगी भंडारे की लाइन में, तो हमने सोचा इतने सारे शरणार्थी आ रहे हैं हजारों की संख्या में, हम संभालेंगे कैसे, तो हमने सोचा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा और हम इनका साथ देंगे शरणार्थियों का, पाकिस्तान हमें बोलेगा तुम हमारे हमारे इंटरनल मैटर में क्यों पड़ रहे हो, तो हमने इंदिरा गांधी ने किसको बुलाया, जो भारत के उस समय वो थे थल सेना अध्यक्ष सैन मानिकसो,
ठीक है, सैन मानिकसो, थल सेनाध्यक्ष जनरल सैन मानिकसो हेड, जो पूरी भारत की स्थाई सेना थी ना, मतलब थल सेना, उनका मेन बंदा था, सैन मानिकसो नाम था। इंदिरा गांधी बुलाती, बोलते हैं इसका क्या करे, तो इंदिरा गांधी बोलते हैं इनको निपटा दे, युद्ध छेड़ दे, तो बोलते आज युद्ध छेड़ोगे तो कल आप हार जाओगे पाकिस्तान से, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको। इंदिरा गांधी बोलते कैसा आदमी है रे, अपने भारत को बोल रहे हार जाओगे, थोड़ी तो तमीज है, बोल तो कि कैसे हार जाएंगे, क्यों हार जाए, सीधे बोल रहे आप हार जाओगे, ठीक है। तो उसने बोला अभी हार जाओगे, लेकिन अगर आप मेरे को 8 महीने का समय देते हो तो हम जीतेंगे, और बहुत अच्छा जीतेंगे और इतिहास लिखेंगे, समझ आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहती है, ठीक है, यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से कोसी आती है, इन सारी नदियों में बहुत सारा पानी भर जाता है, बरसात के टाइम में बाढ़ आ जाती है, तो हमारे सैनिक वहाँ पे डुबू डुबू खेलने लग जाते हैं अगर उस समय जाते युद्ध करने, और पाकिस्तान के बंदे वहाँ मौज ले जाते, हमारे सैनिक तैर तैर के लड़ रहे थे इधर, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे थे, गोली कैसे मार पाते यार, ऐसे बंदूक करते फिर नीचे गिर जाते, फिर ऐसे छप छप करते फिर पास में जाते फिर नीचे गिर जाते, दूसरे बंदे जीत जाते ना इसमें, तो हमारे सैनिक काफ़ी हारते, इसलिए हमने क्या करा 8 महीने का टाइम लिया, और हमारा दिमाग क्या चल रहा था, ये अगर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो इनका इंटरनल मैटर आ जाएगा, ये UNO से मदद लेंगे, बोलेंगे इंडिया हम पे हमला कर रहा है, हमने सोचा पहले गोली वहाँ से चलनी चाहिए, है ना, रिप्लाई आने दो, नहीं पहले वहाँ से कमेंट आने दो फिर हम देंगे रिप्लाई अच्छा वाला, समझ आया, तो हरकत करवा रहे हम पूरी, समझ आ रहा, मतलब इशारे तो हम करेंगे ना, सामने वाले को लगे कि हाँ भाई रिस्पॉन्स पूरा है, ठीक है, तो हम इशारे करने लग गए, हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, सामने वाले को लग रहा है रिस्पॉन्स तो पूरा है, इसने क्या करा नैनो के बाण चला दिए अपनी, क्या हुआ हमें ना, इनको सेना इनकी, इनके यहाँ के जो लड़के थे ना उनको हम हथियार देने लग गए, उनको हथियार देने लग गए, ट्रेनिंग देने लग गए, और उससे एक सेना बनवा दी, शांति सेना। अगर हमारी सेना जाती तो ये बोलते ना हमारे इंटरनल मैटर में घुस रहे हो, हमने क्या बोला हम तुमको हथियार दे रहे, जाओ मौज लो, बम मारो, गोली मारो, सब कुछ करो, इनको पता लग गया हम हथियार दे रहे हैं, इनकी जब नाक में अच्छे से दम हो गया ना पाकिस्तान वालों को, इन्होंने क्या करा यहाँ से अपने विमान उड़ाए, हमारे यहाँ पे अम्बाला में, अम्बाला हरियाणा में पड़ता है, राजस्थान में और जम्मू में, ठीक है, जम्मू के उरी में, इन जगह हमारे क्या हैं वो हैं जो वायुसेना के स्टॉपेज नहीं होते जहाँ पे विमान खड़े रहते हैं, वहाँ पे बम गिरने लग गए बंदे, बस अपने को क्या चाहिए था, चिट्ठी आते ही काम मतलब पूरा कर देंगे हम, है ना, रिप्लाई आए हम पूरा ग्रंथ लिखेंगे कि आए आते ही यहाँ कैसे हो क्या है पूरा, हमने इंदिरा गांधी को आ गया रिप्लाई, इंदिरा गांधी ने फिर झड़ापे में ले लिया, इंदिरा गांधी ने तुरंत बोला कि युद्ध कर रहे हैं हमसे, हम नहीं सहेंगे, आर्मी तैयार करो, UN अभी बाहर के बंदे भी हमें कुछ नहीं कह सकते, हम बोल देंगे ये देखो इन्होंने पहले हमला करा है, तमाचा उन्होंने मारा था तब हमने लठ मारा है, समझ आया, क्योंकि हम ऐसे नहीं लड़ सकते थे ना, हम ऐसे लड़ते तो जाके UNO में बात होती ना कि तुमने पहले हमला करा, हर जाना हमें भरना पड़ता, फिर कश्मीर का लफड़ा हो जाता, सब कुछ हो जाता, हमें नुकसान होता, सारे देश इसके साथ हो जाते, अब क्या फ़ायदा हो गया हमारा, अभी भी कोई देश हमारे साथ नहीं है, अभी क्या है हम नज़रें मिला सकते हैं कि भैया गलती तो इनकी है भाई, ये हमारे उंगली करेंगे तो हम मारेंगे, समझ आया, बोल लेते तुम बुरे हो तो हम बताते हैं हम कितने बुरे हैं, ठीक है, हमने जैसे ही इन्होंने अपने वो एयरक्राफ्ट भेजे ना, हमने भी तुरंत ये बटन दबाई धा 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 बोले चलने लग गए, फिर तो हमने इंतजार क्या करा, यहाँ से आर्मी भेजो, वहाँ से आर्मी भेजो, थड़ा थड़ थड़ा थड़ थड़ा थड़, बरसोरे मेगा मेगा की तरह, जैसे बादल आते ना एकदम से बारिश में भागते, हम ऐसी गाड़ियाँ लेके निकले, बम गोले बरसाते हुए आगे पहुँच गए, ठीक है, कुछ दिन के अंदर हमने कब्जा कर लिया इनके यहाँ पे, क्या बोलते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में ढाका पड़ता है ना, ढाका में कब्जा कर लिया, और यहाँ पे कई जगह कब्जा कर लिया हमने, ठीक है, पाकिस्तान को पता लग गया अब तो बुरे दिन आने वाले हैं हमारे, मतलब कुछ घंटों में हम आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते, लेकिन क्या हुआ पाकिस्तान ने क्या बोल दिया जाते ही अपने पहले क्या हुआ, पहले सुन लो, पाकिस्तान ने क्या किसको फ़ोन कर दिया, अपने खसम को, अपने खसम को फ़ोन कर दिया, किसको, चीन तो दूसरा है, नई जमाने का, पुराने ज़माने वाले की बात है, पुरानी वाली बात हो रही है, पुरानी गर्लफ्रेंड वाली की, ये नई वाली की नहीं हो रही, ठीक है, तो अमेरिका इसका दोस्त था, इसने अमेरिका इसके बोलने पे हमें कॉल कर रहा है कि हम तुम्हारे को गेहूं नहीं भेजेंगे, तो क्या बोलते हैं गेहूं नहीं भेजेंगे तो तुम क्या कर दो, युद्ध बंद कर दो, इंदिरा गांधी बोला बकबत्तमीज कुत्ता कहीं का नीच, इंदिरा गांधी 3-4 गाली औरत तो थी वैसी, जानते हो औरतें कैसी कैसी गाली देती हैं, इंदिरा गांधी ने सुना दिया ढंग से, वो बंदा डर गया तो औरत है केस भी कर देगी उल्टा, समझ आ रहा है, तो इंदिरा गांधी की इनसे बात हुई लेकिन मदद नहीं, तो अमेरिका ने क्या करा अपने युद्धपोत भेज दिए बहुत सारे, है ना, अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेज दिए, वो समुद्र के अंदर बेचारे अभी आए आए थे, हमारे को याद आ गया हमने भी तो किसी से, किसी ने हमें भी प्रपोज मारा था भाई किसी टाइम, इंदिरा गांधी ने फ़ोन उठाया, हाँ जी आपने बोला था कि आप जान दे देंगे हमारे लिए, आ जाओ जान दे दो, हाँ रसिया की बात कर रहा हूँ मैं,
पिछले साल ही तो, पिछले साल वैलेंटाइन डे पे चिट्ठियां दी थी ना एक दूसरे को, 20 वर्षीय संधि करी थी वैलेंटाइन डे पे, तो रसिया को याद दिलाया हमने, अभी आ गया वक्त, अब दिखाओ कितना बाबू के लिए जान दे सकते हो। तो उसको रसिया ने बोला हाँ यार जान तो देंगे तुम्हारे लिए, ऐसे थोड़ी कहने की बात थोड़ी है। रसिया ने भी अपने युद्धपोत भेज दिए, ठीक है। अमेरिका वाले थोड़े कमाए थे, और अमेरिका है बिजनेसमैन देश, अमेरिका को नुकसान नहीं पसंद, अपना फायदे के लिए दूसरे को मरवा देगा, लेकिन अपने नुकसान के लिए किसी की मदद नहीं करेगा। अपना नुकसान क्यों करूँ भाई, बोला पाकिस्तान, अमेरिका पहले ऐसे कर रहा था, अभी आता हूँ, इंडिया को ऐसे बोला, जैसे ही देखा रसिया के बेड़े, और हम तो गलती से हम यहाँ निकले चाय पीने, हमने सोचा कि घूमते हुए चलते इंडिया से, तो बोला हमने बोला आ गए औकात पे, आ गए औकात पे, रसिया को हमने हाथ मिलाया, बोले जाओ। तो ये अमेरिका के युद्धपोत चले गए, रसिया वाले भी चले गए, समझ आया। अगर उस समय रसिया मदद नहीं करता ना, तो हमको बहुत छिदाई पड़ती है ना, बहुत पीटते हम। हकीकत में यार हमारे पास उतना एडवांस नहीं था ना, अमेरिका यहाँ से बम लगा दुम 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 हर जगह मार देता, और शायद उस समय और हमारे इससे ले जाता पाकिस्तान। लेकिन रसिया अपना वो यार है जो वक्त पे काम आया, इसलिए आज तक रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हम रसिया को डायरेक्ट गलत नहीं बोलते, पता है ना पुराने टाइम कभी हमारा आशिक रहा है, समझ आ रहा है। आज हम उसको ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, प्यार की भी तो कोई इज्जत और सीमा होती है ना भाई, समझ आ रहा है, बदनाम थोड़ी करेंगे, ठीक। तो रसिया इसीलिए हमारा मित्र है ना, समझ आ रहा है। और अमेरिका मतलबी बंदा है, कभी भी अपना फ़ायदा ले लेता है, ठीक। और ऐसे ही 1971 में फिर उसके अगले साल क्या हुआ, 72 में शिमला समझौता होता है, समझ आया। उसमें इंदिरा गांधी होती है, और पाकिस्तान से आते हैं कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो अपनी लड़की को लेकर आता है। और मैंने तुम्हें बताया था इंदिरा गांधी उसके लिए पर्दे वगैरह बदलती है, कुशंस वगैरह लगाती है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, थोड़ा जुल्फिकार अली भुट्टो स्टाइल में रहता ना, बाल वाला ऐसे काढ़ के रहता था मस्त, और अपनी लड़की को भी लेके आया था, किस लिए, राजीव गांधी। अरे यार तुम पूरी बात नहीं सुनना चाहते क्या, राजीव गांधी के साथ भी कुछ था। पाकिस्तान और अपने रिश्ते 1980 के दशक में चरम सीमा पे थे, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी था, और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, दोनों ने भुट्टा बनाया था साथ में, हाँ सच्ची में 1980 के दशक में बहुत अच्छे रिश्ते थे हमारे। वो भारत वाले सोच रहे हैं क्या, मतलब क्यों इतनी दोस्ती बढ़ रही है भारत और पाकिस्तान की, बाद में पता लगा चिट्ठियाँ इधर उधर जा रही थी, तब सबसे ज़्यादा रिचार्ज उस समय करवाया गया था, पाकिस्तान और इंडिया में कॉल जाती थी, समझ आ रहा है। अभी तुम छोटे हो तुम्हें समझ नहीं आएगा, सुनो भाई। अरे यार उल्टा था, सुनो देखो। और इसी में क्या हुआ था, जब 1971 में ये वाला हुआ था ना युद्ध के बाद, हमने समझौता हुआ था, इसी में ना पाकिस्तान के हमने 90,000 सैनिक पकड़ लिए थे, युद्धबंदी बना लेते, सोच कितना मारा था हमने इनको, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे पास थे, मतलब पाकिस्तान के पास था ही क्या, चाहते तो उस समय पाकिस्तान को भी ऐसे करके अंदर कर लेते, इधर आ जाओ ऐसे करके, हाँ। सोचो मैं तुम्हारे घर वालों से लड़ूँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी सब मेरे साथ आ जाए, तुम अकेली क्या गुंडी बन लोगी, है तब तो मैं तुम पर कब्जा कर सकता हूँ ना पूरा, है कि नहीं है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे पास है, बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं, 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ऐसे करके बंदूकें डाल दी थी इंडिया के सैनिकों के सामने, ऐसे करके, ऐसे डालनी होती है बंदूकें, बेइज्जती भी करते हैं मेरे, क्योंकि किसी भी सैनिक के लिए बंदूकें डालना या युद्ध में हारना बहुत बुरी बात होती है, मर जाना एक अच्छी बात होती है कि हम तो ये लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन हथियार डालना बेइज्जती वाली बात है कि साले हमने हथियार डालना पड़ गया, क्या बेइज्जती है, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी, इंडिया वाले फुल मजे ले ले, आया मजा, ऐसे बहुत चुड़ाया इंडिया वालों ने, बहुत चुड़ाया, ठीक है। सोचो 90,000 सैनिक हमारे पास थे, जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं, समझौता करके जाते हैं, 5 दिन समझौता चलता है, अपने सैनिक छुड़ा के ले जाते हैं, और वहाँ जाके जो समझौता होता है भूल जाते हैं उसको, इंदिरा गांधी को बेवकूफ़ बना दिया, बताओ उस समय हमारे पास कितनी पावर थी ना, जीते हुए देश हम, पूरी दुनिया के पापा हम बन रखे, मतलब मम्मी एक तरह, इंदिरा गांधी तो मम्मी होंगी ना, तो पूरी दुनिया की मतलब एक तरह की शेरा वाली बात है, इंदिरा गांधी बन रखी है, पूरी दुनिया को दिखाया ना हमने, ये देखो ऐसे बांटे हमने पाकिस्तान के ध्वज से कर दिए, कोई बोले उसके लिए कंटाप मारेंगे, समझ आ रहा है, मतलब इतनी पावर इंडिया ने एक देश को तोड़ के 2 देश बना दिए, समझ आ रहा है, तो कितनी पावर होगी इंडिया की। और उस समय हमने क्या करा, 90,000 सैनिक हमारे पास, जीते हुए देश हम, और इंदिरा गांधी मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो से बातें नहीं मनवा पा रही, बताओ ऐसा क्या भाई, क्या था तुम्हारे बीच में कि बात नहीं मनवा पा रहे हो, ऐसी कौन सी झिझक, गलत बात है ना, अब तुम मेरे से इतना जीत जाओ तो तुम मेरे से बात नहीं मनवाओगे जबरदस्ती, और तुम्हारे तो दांत निकलवा लूंगी बिलास से, हैं तुम्हें गूंगा कर देंगे तुम्हारे मुंह में कोयला डाल के।
जीसस बनाओगे क्या मेरे को? कोई बात नहीं, जो जीसस बना उसको दुनिया ने जाना है। सुनो, तो 1972 में शिमला समझौता होता है, उसमें प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के कौन, इंदिरा गांधी और वहाँ के जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों होते हैं। और क्या होता है, समझौता तो होता है लेकिन उस समझौते के बाद है ना, इंडिया के ऊपर थूथू होती है। पता है क्यों? क्योंकि बोला जाता है इंडिया युद्ध तो जीता, जीत के भी नहीं जीत पाया, जीता हुआ देश सब कुछ उसके पास, तब भी वो कश्मीर का मसला भी नहीं सुलझा पाया। जुल्फिकार अली भुट्टो आया था ना, उसके कंटाप मारते तो बोलते साले अभी सिग्नेचर कर के पाके, कभी भी कश्मीर का नाम नहीं आएगा तुम्हारे जवान पे, समझा? और अपने भी दो हिस्सा थे इधर, चल वो दो गली हमारे नाम का करते भाई, वो 90,000 सैनिक हमारे पास है, पाकिस्तान में हमारे आर्मी के टैंक खड़े हैं, अभी बोलोगे अभी चालू करके, हाँ सर जी मारने हैं तो बम बोलो तो अभी मारता हूँ, इनकी संसद उड़ा देते हैं सामने खड़े हम, और हमारी आर्मी उनके यहाँ ही है ना, फोन करके बोलते हैं राज ये मान नहीं रहा है, चल संसद उड़ा दे इसकी, तब मानेगा, अच्छा दबा रहा हूँ बटन, कितना आसान रहता ना। लेकिन कुछ भी नहीं मनवाया यार हमने, सोचो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कोई लड़की कैसे पिघल सकती है, कोई लड़का होता तो वो लड़की के चक्कर में पिघल भी जाता कि यार कोई आई थी हम पिघल गए कुछ हो नहीं पाया। ये हालां औरतें तो बार्गेनिंग करने में एक नंबर होती है ना, 10 की चीज़ को 2 में लेके आती है है ना, नहीं भैया बहुत महंगा है ना। लेकिन यार मर्द मेरे को समझ नहीं आ रही, इंदिरा गांधी कैसे इतनी बढ़िया लेडी, इतनी समझदार, वो ऐसा कैसे कर सकती है सोचो। और आगे 4 साल बाद वो इमरजेंसी लगा देती है सनक सनक में, बहुत लठ पड़ती है सबको ऐसी। फिर सुनो ऐसे, फिर आगे जाके 1999 में हमारा युद्ध होता है कारगिल का युद्ध, वो मूवी देखी है LOC कारगिल, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, नहीं सुना क्या यार? तुम तो 15 अगस्त को कहा है LOC कारगिल, उसी के ऊपर होनी है। तो कारगिल के अंदर युद्ध हो गया था, कारगिल जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके अंदर युद्ध हो गया था। तो 1999 में हमने बहुत मारा पाकिस्तान को, ठीक है, उस समय वाजपेयी जी थे हमारे प्रधानमंत्री, समझ आ रहा है? उस समय भी हमने पाकिस्तान को हराया, मतलब पाकिस्तान की तो वही है किस्मत है, जब भी आएगा पिट के जाएगा, तब भी नहीं सुधरते, आज भी उन्हें वही करना है, क्या बताऊँ यार हैं। इसी जीत की फिराक में 3-4 बार है ना, वहाँ से है ना गदर मूवी बना लेंगे है ना, 2 भी बन गया 3 भी बन जाएगी कुछ दिन में, इस पिछली बार हैडपम्प उखाड़ा था, इस बार RO, अगली बार फिल्टर उखाड़ लाएंगे उनके यहाँ का, अगली बार AC उखाड़ेंगे, समझ आ रहा है? अगली बार पाइपलाइन लगाएंगे डायरेक्ट उनके जल बोर्ड से सीधे इंडिया में, उखाड़ने वाला सिस्टम ही खत्म करो, बहुत बड़ा टाइम लगता है यहाँ से ले जाने वहाँ पे, अब डायरेक्ट पाइपलाइन लगा रहे हैं सीधे इंडिया पानी भेजो। सुनो भाई देखो, अब पाकिस्तान और इंडिया के मैं ये वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनमें ये सारी बातें लिखी है, अब डायरेक्ट ये बता रहा हूँ। देखो सरक्रिक, सियाचिन ग्लेशियर, कश्मीर, दोनों देखो, ये जो सरक्रिक रेखा है और ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना, सियाचिन ग्लेशियर है कश्मीर के, कश्मीर, ये दोनों हमारे बीच क्या है, विवाद के मुद्दे हैं, इन सब की वजह से हमारे बीच लड़ाई होती रहती है। सरक्रिक पढ़ के आना क्या है सरक्रिक के बारे में, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, तुम पढ़ के आना सरक्रिक क्या है, मेरे को अंदाजा है गुजरात के अंदर ही कि गुजरात के बारे में बात हो रही है शायद। सुनो, पाकिस्तान यह भी आरोप लगाता है कि वह कश्मीर के उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। पाकिस्तान नहीं लगाता, हम आरोप लगाते हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं कश्मीर में ना अशांति फैलाने के लिए, वहाँ पे आतंकवादी भेजते हैं और वहाँ के नौजवान लड़कों को भड़का के उन्हें बंदूक दे देते हैं, किताब और चॉकलेट देने की बजाय उनके हाथ में बम गोला ग्रेनेड दे देते हैं। पाकिस्तान के बारे में हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान क्या सोचेगा भाई, हम आतंकवादी हैं क्या? देखो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। पाकिस्तान की जो मुख्य खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है ISI, भारत की RO, इसराइल की मोसाद, अमेरिका की इंटरपोल, ठीक है, ये सारी ISI नहीं, वो तो आतंकवादी संगठन है, वैसे दोनों ही बराबर है, ठीक है। दुबई की नहीं पता मेरे को, इसराइल की पता है, मोसाद खतरनाक सबसे। सुनो, इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार पर उनकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़काने का आरोप लगाती है। पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है और भारत पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है, दोनों एक दूसरे की कपड़ों पर कीचड़ उछाल लें, समझ आया? देखो दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा गलत है, ये हमें मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तुम्हें देशभक्त नहीं कहेंगे, समझ आया?
ठीक, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, ये साला ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों, क्या हुआ?